हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आज हम अपनी जो सॉयल है हाइबिस्कस की उसको थोड़ी एसिडिक बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने एसिडिक बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि कुछ तरीके हैं एसिडिक सॉयल को एसिडिक बनाने के। तो उसमें आता है लेमन फर्टिलाइज़र, विनेगर, एलम और दूसरे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम सॉयल को एसिडिक बना सकते हैं। तो आज मैं सॉइल को एसिडिक बनाने वाला हूँ ये एप्सम सॉल्ट को यूज़ करके और ये जो लेमन फर्टिलाइज़र है उनको यूज़ करके। तो आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि ये जो हमारा जो लेमन का जो पानी है, जो नींबू के छिलके का पानी है, वो कितना एसिडिक है। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, दो नींबू के छिलके पड़े हुए हैं। ये मैंने ऑलमोस्ट दो दिन तक इसके अंदर ये बोतल के अंदर रखा है और इसका जो लिक्विड है वो अभी थोड़ा खट्टा हो गया है, यानी कि थोड़ा एसिडिक हो गया है, जो हमारी सॉइल को भी धीरे धीरे करके एसिडिक कर सकता है। तो अब ये जो लिक्विड है वो मैं इसके अंदर खाली कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर लिक्विड खाली कर दिया है। अब ये जो लिक्विड है फ्रेंड्स, इसकी हम एसिडिटी टेस्ट करेंगे। तो देखिए जो फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारा पीएच मीटर है, पीएच मीटर पे अभी जो एसिडिक लेवल जो बता रहा है वो 7 से नीचे है। तो हमें एसिडिक लेवल ज़्यादा करनी है और चेक करना है कि इसका जो एसिडिक लेवल है वो कितना है। तो ये पीएच मीटर को हमने अंदर डाल दिया है और हम चेक करेंगे कि इसका जो एसिडिक लेवल है वो कितना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका एसिडिक लेवल हो गया है अभी 5 तक, यानी कि 5 और 6 के बीच में है, ऑलमोस्ट 5.5 जितना इसका एसिडिक लेवल है। तो इतना एसिडिक लेवल हमारे जो सॉइल को ज़्यादा एसिडिक नहीं कर पाएगा, हमें इसको थोड़ा और एसिडिक करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये सॉइल के अंदर जाएगा तब इसकी इफ़ेक्ट थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सॉइल जो हमारी है वो ऑलरेडी अल्कालाइन बेस पे है, यानी कि 7.5 तक है। तो अगर ये पानी सॉइल के अंदर जाएगा तो उसकी इफ़ेक्ट थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी सॉइल को थोड़ा एसिडिक बनाएगा, अबाउट 7 तक लेके आ जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, क्योंकि हाइबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ही ज़्यादा एसिडिक सॉइल चाहिए, 5 से 6 पीएच इसकी एसिडिक लेवल रहनी चाहिए। तो मुझे इसको थोड़ा और एसिडिक बनाना है। तो जो हमारा जो एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट सॉइल को थोड़ा हल्का सा एसिडिक बनाता है, तो मैं इसके अंदर एप्सम सॉल्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो एप्सम सॉल्ट मैं यूज़ करूँगा 1 चम्मच। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच हमने एप्सम सॉल्ट लिया है और ये इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। इसको हम निकाल देंगे अभी। एप्सम सॉल्ट को ये लिक्विड के अंदर मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। अब आप उसके बाद देखिए इसकी एसिडिक लेवल कितनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो मैग्नीशियम सल्फेट है, यानी कि एप्सम सॉल्ट है, वो अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम ये जो पीएच मीटर है उससे हम चेक करेंगे कि एसिडिक लेवल कितनी बड़ी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एसिडिक लेवल अभी 4.5 हो गई है, एसिडिक लेवल अभी 4.5 जितनी हो गई है। तो इतनी जो एसिडिक लेवल होगी, यानी कि अभी पानी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया है। अगर ये जो पानी हम अपने हाइबिस्कस के प्लांट के अंदर डालेंगे तो बाद में हमारे जो हाइबिस्कस के प्लांट की सॉइल है वो धीरे धीरे करके एसिडिक लेवल पे आने लगेगी, अबाउट 6 तक आ जाएगी, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी है। और सॉइल के अंदर से वो प्लांट आराम से सारे न्यूट्रिएंट्स सक करने लगेगा और उसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसके अंदर एसिडिक लेवल ज़्यादा होता है। तो ऐसे और इसीलिए जो ये जो एसिडिक लविंग प्लांट्स है, जैसे कि रोज़ प्लांट हुए, हमारे हाइबिस्कस के प्लांट हुए और जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जिसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है 5 से 6 से लेके, तो अगर वो प्लांट की सॉइल के अंदर अगर हम एप्सम सॉल्ट यूज़ करेंगे तो बाद में एप्सम सॉल्ट सॉइल के अंदर से प्लांट को हेल्प करेगा सारे न्यूट्रिएंट्स सक करने में और हमारे प्लांट अच्छे खासे ग्रो हो सकते हैं। और ये जो लेमन फर्टिलाइज़र है वो भी हेल्प करेगा सॉइल को एसिडिक करने में, जिसकी वजह से प्लांट हमारे सॉइल के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से सक कर सकेंगे। अब ये जो लिक्विड है वो लिक्विड मैं अपने हाइबिस्कस के प्लांट के अंदर डाल देता हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हाइबिस्कस का प्लांट है जिसको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई है। तो अब हमें ये प्लांट को ऐसी सॉइल प्रोवाइड करनी है जो एसिडिक हो। लेकिन ये जो हमारे प्लांट की सॉइल है वो एसिडिक बेस पे नहीं है, थोड़ी अल्कलाइन बेस पे है। तो हम इसकी सॉइल का पीएच भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं, अभी जो सॉइल की पीएच लेवल है ये मेरे हाइबिस्कस के प्लांट की, वो थोड़ी 7 से अंदर है। यानी कि देखिए, अभी ऑलमोस्ट 6.5 और 7 के बीच में है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी सॉइल थोड़ी सी एसिडिक है, लेकिन फिर भी हमें इसका लेवल 5.5 या तो 6 तक लाना है, जिसकी वजह से ये प्लांट अच्छा खासा रिकवर हो सकता है। एक्चुअली ये जो हाइबिस्कस का प्लांट है उसको ज़्यादा एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो हमें इसको ऐसी सॉइल प्रोवाइड करनी है। लेकिन अभी इसकी सॉइल थोड़ी सी अल्कलाइन बेस पे है, तो हमें इसको सही करना है। तो मैं ये जो लिक्विड है मैंने इसके अंदर, हमने इसके अंदर एप्सम सॉल्ट और जो लेमन फर्टिलाइज़र है वो डाला है। अब दोनों को हमने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर दिया है। मैं फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर देता हूँ ताकि जो एप्सम सॉल्ट है वो अच्छी तरह ये लिक्विड के अंदर मेल्ट हो जाए, और ये जो लिक्विड है वो हम ये सॉइल के अंदर डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सॉइल के अंदर मैंने ये लिक्विड डाल दिया है। अब धीरे से ये कांटा देखिए वो ऊपर आ रहा है और सॉइल को ज़्यादा एसिडिक बना रहा है। तो अभी ये जो सॉइल का पीएच लेवल है ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो फ्रेंड्स, ये जो सॉइल का पीएच लेवल हो गया है 5 तक, क्योंकि अभी अभी हमने इसके अंदर लिक्विड डाल दिया है। और लिक्विड डालने के बाद इसका जो पीएच लेवल है वो धीरे धीरे लो हो रहा है। लो का मतलब है 7 से नीचे चला गया है, जो अभी ये सॉइल को ज़्यादा एसिडिक इसने बना दिया है। तो अभी धीरे धीरे अपने आप को वो सॉइल, ये जितना भी लिक्विड है वो सक कर रहा है, और सक करने के बाद अल्टीमेटली ये जो जो कांटा है वो 6 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 6.5 तक का आ जाएगा। तो अभी इसका जो लेवल है वो 5.5 है। तो अगर 5.5 टू 6.5 तक की जो पीएच लेवल इसकी रहेगी, तो बाद में ये जो प्लांट है हमारा अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो हमें ये जो एसिडिक लेवल है, वो एसिडिक लेवल को चेक करने के लिए हमारे पास पीएच मीटर का होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपके पास पीएच मीटर ना हो तो बाद में आप सिर्फ ऐसे ही आपके प्लांट के अंदर ये लिक्विड डालते रहेंगे, तो बाद में सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। ज़्यादा सॉइल एसिडिक होने की वजह से आपके प्लांट के सारे लीव्स बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपका प्लांट मरने की कगार पे आ जाएगा। तो इसीलिए आपको देख के डालना है। अभी मेरे पास ये जो पीएच मीटर है, इसलिए मैं आज इसका बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड आपको महीने में एक ही बार यूज़ करना है, हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आप इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहेंगे तो बाद में आपके सॉइल के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर एप्सम सॉल्ट को मिक्स किया है। अब मैग्नीशियम की मात्रा लिमिटेड ही जानी चाहिए सॉइल के अंदर, अगर ज़्यादा चली जाएगी तो बाद में वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमें ये लिक्विड को सिर्फ महीने में एक बार, यानी कि 30 से 35 दिन में एक बार ये लिक्विड को हमारी सॉइल के अंदर डालना है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल थोड़ी धीरे धीरे करके एसिडिक होती जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हर 3 से 4 दिन में चेक करते रहिए, अगर आपकी सॉइल की पीएच लेवल फिर से थोड़ी थोड़ी धीरे करके डाउन हो रही है, यानी कि 7 और 7.5 के आसपास आ रही है, तब आप इसका जो लिक्विड है उसके अंदर आप सिर्फ लेमन जूस ही यूज़ करिए, एप्सम सॉल्ट ना यूज़ करें। एप्सम सॉल्ट आपको सिर्फ मंथली एक ही बार यूज़ करना है, बार बार यूज़ नहीं करना है। इसीलिए आप सिर्फ सिंपल लेमन का जो पानी है, लेमन फर्टिलाइज़र है, वही आप यूज़ करिए, और उसके अंदर आपको दूसरा कुछ भी नहीं डालना है। लेकिन वो भी आप हर 10 दिन या तो 12 दिन के अंतर में यूज़ करिए। जनरली बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हर 3-4 दिन के अंतर में ना यूज़ करें, क्योंकि सॉइल धीरे धीरे करके अपने आपको एसिडिक लेवल पर ले जाएगी। इसीलिए आप थोड़ा सब्र रखिए और धीरे धीरे करके आप ये लिक्विड को यूज़ करिए। लेकिन ये लिक्विड के अंदर आपको एप्सम सॉल्ट सिर्फ महीने में एक बार मिक्स करके ही अपनी सॉइल में डालना है। ज़्यादातर आपको 15 दिन या तो 20 दिन या तो 25 दिन के अंदर नहीं डालना है। तो इस तरह से मैं अपनी सॉइल को, जो पीएच लेवल मुझे डिक्रीज़ करनी है यानी कि कम करनी है, तो मैं इस तरह से अपनी सॉइल को ये पीएच लेवल कम करूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आइडिया आ गई होगी कि हमें किस हिसाब से सॉइल की पीएच लेवल को मेंटेन करना है। मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो पीएच मीटर है आप सभी परचेज कर लें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप गार्डनिंग करते हो तो, क्योंकि सॉइल का पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए। कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा एसिडिक सॉइल पसंद होती है, और कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सॉइल की पीएच लेवल थोड़ी हाई चाहिए, यानी कि 7 के आसपास चाहिए, 7-8। तो हमें वो हिसाब से प्लांट को सॉइल प्रोवाइड करनी है। तो ये जो हमारे हाइबिस्कस का प्लांट है उसको हमें एसिडिक सॉइल प्रोवाइड करनी है, उसके लिए हमें इसकी सॉइल को एसिडिक बना के रखना है, और उसके लिए हमें पीएच मीटर का रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम बार बार चेक करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे कि आपकी सॉइल अगर एसिडिक रहेगी तो बाद में आपके प्लांट को ही फ़ायदा होगा और आपका प्लांट भी अच्छा ग्रो हो पाएगा। तो फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।